राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। ये देखिए आंवला, जिसे कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आंवला शरीर के हर एक अंग को मजबूत करता है, बालों को काला करता है, पुष्ट बनाता है। इसका मुरब्बा हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है और आंवले में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। तो और वैसे भी बताते हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और घर में सुख शांति भी लाता है। इसके लक्ष्मी जी का निवास इसमें होता है। तो आंवले का वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ तक कि बताते हैं कि कार्तिक मास में तो आंवले के वृक्ष के आप नीचे से भी निकल जाएं तो आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो परेशानियां बदल के सब पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मतलब आपकी कार्तिक में तो इतनी शक्ति आ जाती है इस पौधे में कि आपके जितने भी शरीर की शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं उनको ये सोख लेता है। तभी तो कहते हैं कि कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे बैठ के भोजन करना और दान देना। तो भोजन करने का तात्पर्य यही है कि इससे बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। चलिए ये बात तो हुई, अब मैं बताती हूँ हम घर पे आंवला कैसे लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है, ये मेरे पास आंवला है, अगर आपको यूज करने के बाद इसकी गुठली को आप दबा देंगे तो उससे भी आंवले का पेड़ आपका तैयार हो जाएगा। और अगर छोटा प्रोसीजर करना है आपको, अगर आपके आसपास कहीं भी आंवला है तो आंवले की एक जितनी पेंसिल की कलम होती है थोड़ी, जो जैसे ये ब्राउन डंडी है इस टाइप की एक डंडी आपको लेनी है और उसको आप लगा दें। ध्यान रहे कि जब आप कलम लगाएं तो ऐसे ही लगाएं कि वो हिले ना। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो ये रूटे हुए हैं ये ऊपर हों और ये तने वाला हिस्सा जो हमारा ये है ये नीचे की तरफ की रहना चाहिए। ये बातें ध्यान रखने की होती हैं कलम लगाते समय। कई बार नॉलेज के अभाव में हम उल्टी कलम भी लगा देते हैं तो वो तो ग्रो होगी ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि कलम ही लेना, ये तो होगी हमारी कलम बहुत जल्दी। अभी आप सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो आपकी कलम एकदम ग्रो हो जाएगी। मिट्टी की बात करें तो हल्की सी रेतीली मिट्टी बनानी ठीक है, क्योंकि इसमें पानी ना मर। ये देखिएगा इसमें ये मैंने खाद भी मिला रखा है और ये मैंने इसमें महारानी सूख गई थी उनकी जड़ें डाल दी थी, सूख के वो भी खाद बन जाएंगी। और ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितने अच्छे से है और पूरा भर के इतना अच्छा लगता है। जब भी ये आप इसके पास से आओगे तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और लगाने का है आप उत्तर पूर्व दिशा में इस पौधों को लगाएं। बस ये छोटी सी जानकारी आंवले पर, आप आंवला लगाइएगा और देखिएगा कितनी अच्छी पॉजिटिव वायु इससे आती हैं। ये छोटी सी जानकारी आंवले के पौधे पर। आप कलम या कटिंग से लगा सकते हैं या आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, जैसे भी। वैसे तो सितंबर अक्टूबर में आपका भी कलम लगाने का भी टाइम अभी है, आप लगा सकते हैं। राधे राधे। कृपया वीडियो को पूरा देखें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें।